Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS and we are going to discuss some very important the Hindu newspaper articles. Let us start the discussion. सबसे पहले important news आपको दिखेगी, India Canada expel diplomats as Niger case rose intensifies. यहाँ पर ये पिछले साल से ये केस चलता आ रहा है and in this case Canadian government has held responsible to the Indian agents that India has committed this murder. Right, Niger was killed last year in 2023 and Canada has claimed that Indian agents were involved in it, although Indian government has said that it had no involvement in this case, but still due to their vote bank politics the Canadian government has time and again explained that Indian government ka isme koi na koi to role zarur tha. राइट, तो इसकी वजह से जो इंडिया कैनेडा रिलेशंस हैं दे हैव ऑल्सो बिकम अ लिटिल बिट बिटर एंड इसकी वजह से जो इंडियन डायस्पोरा है कैनेडा में उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा इन फ्यूचर एंड जो भी ट्रेड टाइज हैं, ऑल्दो ट्रेड टाइज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट जो स्टूडेंट्स हैं इंडिया से, बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जाते हैं कनाडा में पढ़ने के लिए, उनके ऊपर क्या इंपैक्ट आने वाला है, कैसे बायलेटरल रिलेशंस आगे आने वाले टाइम में चेंज होने वाले हैं, बिकॉज दिस मूव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि जो आपके इंडिया और कनाडा दोनों कंट्रीज हैं दोनों ने अपने अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया है और ये भी कहा जा सकता है कि दोनों गवर्नमेंट ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया है फ्रॉम द High commissions, right? So this was all about this news. We will not discuss it so in detail because these kind of moves are not so important ki abhi hum is move ke base pe ek pura conclusion nikal le, right? Dheere dheere jo bhi isme development hoti rahegi usi prakar hum isko discuss karte jayenge. Right side mein aapko ek aur important article dikh raha hai about the inflation. To inflation mein hamare liye yahan pe important ye nahi hai ki data kya diya hua hai, hamare liye yahan pe important ye ho jata hai ki is inflation ko मैनेज करने के लिए जो आपका रेपो रेट 6.5% पर मेंटेन रखा गया था बाय आरबीआई उसका क्या इंपैक्ट पड़ा है, क्योंकि आरबीआई ने पहले ही बता दिया था, जो हम बोलते हैं एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये आपका फोरकास्ट कर दिया था दैट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर बिकॉज ऑफ द फेस्टिविटीज द इन्फ्लेशन इज सर्टेनली गोइंग टू राइज एंड ऐसा ही हुआ है. फूड इन्फ्लेशन हैज रीच्ड इट्स पीक. फूड इन्फ्लेशन हैज कम एट द 9 month हाई बिकॉज जो प्राइसेस हैं वो राइज हो चुके हैं और इसीलिए जो आपका रेपो रेट है दैट वॉज केप्ट स्टेबल, जो 6.5 है लास्ट ईयर 2023 से 6.5% ही आपका रेपो रेट चलता आ रहा है उसी को यहाँ पे हम मेंटेन करके आए हैं. बिकॉज रेपो रेट जैसे ही आप डिक्रीज करते, मान लो आपने 0.25 बेसिस से भी डिक्रीज करता, उसका इम्पैक्ट, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें किस पे देखने को मिलता, मनी सप्लाई पर देखने को मिलता. अगर मनी सप्लाई मार्केट में जब ज़्यादा बढ़ती है, कंज्यूमर्स के पास ज़्यादा पैसा आता है, उसकी वजह से एक डायरेक्ट रिलेशन देखा जाता है डिमांड में, तो डिमांड सर्टेनली राइज करती ही करती है. और जब डिमांड राइज करती है जरूरी नहीं है कि आपकी ग्रोथ भी राइज करे, जो आपका प्रोडक्शन है जरूरी नहीं है वो भी बढ़े. राइट, तो अगर यहां पर डिमांड बढ़ जाए और ग्रोथ ना बढ़े, प्रोडक्शन ना बढ़े, तो उस केस में क्या होता है, इन्फ्लेशन इज वेरी हाई. Right, for developing countries like India this high inflation is not very healthy. Right, jo MPC committee hai, MPC committee ne एक टारगेट रखा हुआ है इन्फ्लेशन का, दैट इज 4 ± 2%. तो जो ये एक्सट्रीम सिचुएशन है दैट इज 2 to 6%, अगर हम इसको सॉल्व करके रखें तो 2 से 6% की जो लिमिट है ये रखी है. ऑप्टिमम वैसे तो 4% होना चाहिए, 4% के अराउंड आपकी इन्फ्लेशन रहनी चाहिए, दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी ऑल्सो, फॉर द ग्रोथ ऑल्सो. बट अगर ये लिमिट, अगर आपकी एक्सट्रीम लिमिट की तरफ जाती दिख रही है दैट इज 5.5%, तो अगर ये लिमिट टच होती है दैट मीन्स इट इज वेरी वेरी हाई फॉर अ डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया एंड दैट्स व्हाई सम मॉनेटरी पॉलिसी जो कट था वो अभी नहीं दिया गया है. इन फ्यूचर वी आर एक्सपेक्टिंग सम रेपो रेट कट बट फॉर नाउ द रेपो रेट वॉज मेंटेन्ड एट 6.5% ओनली, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी आपका फोरकास्ट किया गया था कि इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है दैट हैज हैपेंड. और अगर ये मॉनेटरी पॉलिसी कट आता और ये इन्फ्लेशन इतना बढ़ता तो इसके पास में जो इन्फ्लेशन है जो अभी जितना बढ़ा है शायद उससे भी लिमिट क्रॉस कर चुका होता. राइट, तो दैट्स ऑल इन दिस पार्ट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल. दिस आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जीएस पेपर 2.
दिस कैन बी अ केस स्टडी ऑल्सो फॉर यू गाइज, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है सैमसंग वर्कर्स राइट टू यूनियनाइज। इस पूरे आर्टिकल में, इट इज अ वेरी वास्ट आर्टिकल, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करी गई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस किए गए हैं, वी विल बी डिस्कसिंग देम नाउ। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं, उनमें से सबसे पहले एक बात है यूनियन बनाने की। तो यूनियन एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडिया में ट्रेड यूनियन एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंदर कोई भी इवन मिनिमम सेवन मेंबर्स भी एक यूनियन बना सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए बोल सकते हैं दैट वी द पीपल ऑफ दिस कंपनी वी कैन रजिस्टर आवरसेल्व्स, वी वांट टू फॉर्म अ यूनियन। तो उस यूनियन को बनाने की रजामंदी कब मिली, कौन सा ऐसा केस है जिसमें यूनियन बनाने की जो मंजूरी है वो दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। फिर हमारे लिए आता है एक कलेक्टिव बार्गेनिंग जैसा इशू, कलेक्टिव बार्गेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल लेबर कोड में भी गिवन है या नहीं गिवन है, ये सारे हमारी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देन उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करी गई है, दैट इज़ राइट टू स्ट्राइक, ठीक है, हड़ताल। राइट टू स्ट्राइक कैसी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या लीगल है या फिर आपकी फंडामेंटल राइट है, कौन सी राइट्स में आते हैं और यहाँ पर आपके कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल जो फंडामेंटल राइट्स है, कौन से यहाँ पे आप उनको यूज़ करके ये आप यूनियन बना सकते हो, ये सारा का सारा आर्टिकल इसी बारे में है। तो आइए शुरू करते हैं डिस्कशन। यहाँ पे शुरुआत में क्या बात करी गई है, दैट जो आपका रीजन है श्री पेरुम्बदूर तमिलनाडु में, वहां पर सैमसंग के जो वर्कर्स हैं, सैमसंग कंपनी में वर्कर्स हैं, दे हैव गोन ऑन अ स्ट्राइक एंड दे वांट टू लाइक कम ऑन द नेगोशिएटिंग टर्म्स विद द साउथ कोरियन जायंट कंपनी दैट इज सैमसंग। तो सैमसंग के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, दे वांट नेगोशिएशन, दे वांट सर्टेन वेज जो बेटरमेंट है, वेज बेटरमेंट है, वर्किंग कंडीशंस उनको बेटर चाहिए, इंश्योरेंस बेटरमेंट चाहिए, तो ये सब के बारे में ये स्ट्राइक कर रहे हैं। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर कि वो क्या मुद्दा उठा रहे हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि यहां पर जब वर्कमैन कमेटी, शुरुआत में जब आप देखेंगे वर्कमैन कमेटी की बात करी गई है, तो इसमें जो आपके लेबर कोड से रिलेटेड एक लॉयर है, उन्होंने बोला है कि आपने जो वर्कमैन, स्टेट ने क्या किया है, वर्कमैन कमेटी बना के दे दी है। तो यहां पर बात करी जा रही है कि जो आपने ये वर्कमैन कमेटी बना के दे दी है, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। वर्कमैन कमेटी तो आप बना ही नहीं सकते हो क्योंकि अभी तक इनके यूनियन रजिस्टर ही नहीं हुई है। अगर इनके यूनियन रजिस्टर नहीं हुई है तो आप वर्कमैन कमेटी कैसे बना सकते हो, ठीक है। वर्कमैन कमेटी में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम द कंपनी, जो कंपनी है वहां से इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स आते हैं और वर्कर्स की तरफ से भी सेम नंबर ऑफ मेंबर्स जाते हैं और एक कमेटी बनाई जाती है, फिर वहां पे नेगोशिएशन होती है, ठीक है, ये जो प्रोसेस है। बट ये प्रोसेस आपका ट्रेड यूनियन बनने के बाद का प्रोसेस है, तो इसी बात पे बोला जा रहा है कि स्टेट ने डिसीजन कैसे लिया है, जब तक इनकी यूनियन रजिस्टर ही नहीं हुई है, हाउ कैन यू मेक वर्कमैन कमेटी, ठीक है। देन इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहां पे आर्टिकल देखने को मिलेगा, दैट इज 1989 सुप्रीम कोर्ट का केस है, बी आर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989। बी आर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था दैट अंडर आर्टिकल 19(1)(c) के अंडर एक फंडामेंटल राइट दी गई थी इंडियन सिटीजन्स को टू फॉर्म अ रीजनेबल विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन टू फॉर्म यूनियंस एसोसिएशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर आर्टिकल 19(4) में यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के इस केस में यहाँ पे आपको बोला गया है दैट इट अपहेल्ड द राइट टू फंडामेंटल राइट, इट अपहेल्ड द फंडामेंटल राइट ऑफ फॉर्मिंग द यूनियन 19(1)(c) में ये यूनियन जो बनाने का हक था सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया है, लेकिन साथ में 19(4) भी ऐड किया है। इस 19(4) में क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, राइट। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आप यूनियन बना सकते हो, लेकिन जो यूनियन बनाया गया है वो किसी भी पब्लिक ऑर्डर को, मोरालिटी को या सॉवरेनिटी को डेंजर में या फिर इंटेग्रिटी को डेंजर में नहीं डालना चाहिए। एक सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस भी यहां पे दी गई हैं। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट 19(1)(c)
राइट 19:1c किसके बारे में बात करता है 19:1c टॉक्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ यूनियन एंड ये भी पूछा जा सकता है बीआर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 दिस केस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग है ना तो ये आपसे पूछा जा सकता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू देन इसके बाद हमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलेगी दैट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO उसके आर्टिकल 2 में भी डिस्कस किया गया है कलेक्टिव बार्गेनिंग बस अगर आप समझे कि एक साइड आपके वर्कर्स बैठेंगे एक साइड आपके एम्प्लॉयर्स बैठेंगे एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स बैठेंगे वो नेगोशिएट करेंगे कलेक्टिवली बार्गेन करेंगे एक जो मीडिएटर टर्म है जो मीडिएशन है वो होगा यहाँ पर एक आप ये बोल सकते हो कि एक नेगोशिएशन फॉर्म पे आ जाएंगे जहां पर सभी एग्री करेंगे एक एग्रीमेंट फॉर्म कर देंगे राइट कलेक्टिव बार्गेनिंग विल लीड टू एन एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स इनके बीच में एक एग्रीमेंट बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग तो लेकिन यहाँ पे ये बात करी गई है जो ये एक्ट है ये प्रोवाइड करती है कि इन केस कि अगर आपका यूनियन में जब आपकी कोई कलेक्टिव बार्गेनिंग हो रही है नेगोशिएशंस चल रही हैं अगर वो कलेक्टिव बार्गेनिंग अचीव नहीं हो पाती है देन व्हाट इज द प्रोसीजर उसमें एक कॉन्सिलिएटरी ऑफिसर आपको अपॉइंट किया जाएगा दैट इज कॉन्सिलिएशन ऑफिसर एक कॉन्सिलिएशन ऑफिसर सबसे पहला क्या है आप यूनियन बनाइए उसके बाद नेगोशिएशन कीजिए एम्प्लॉय एम्प्लॉयर नेगोशिएशन होगी देन उसके बाद आपको बताया जाएगा कि अगर बाय चांस फिर भी आप एग्रीमेंट पे नहीं आ पाते हैं राइट तो एक आपको कॉन्सिलिएशन ऑफिसर प्रोवाइड करवाया जाएगा बट स्टिल अगर आपको यहां पे कॉन्सिलिएशन ऑफिसर की बात नहीं माननी है देन द केस इज फर्दर रेफर टू लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल अगर जो कॉन्सिलिएशन है वो अचीव नहीं हो पाती है तो जितने भी ये प्रोसेस हैं यहाँ पर ये आर्टिकल न्यूज़ में क्यों है बिकॉज जो प्रोसेस है ठीक है लेबर कोड के अकॉर्डिंग जो प्रोसेस है राइट और आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग 1947 की जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग कोई डिस्प्यूट्स हैं ट्रेड यूनियन एक्ट के अकॉर्डिंग कोई डिस्प्यूट्स हैं वो जो प्रोसेस है वो फॉलो नहीं किया जा रहा है That's why ये यहाँ पे आपका इंट्रोड्यूस किया गया है फिर जो रूट है कलेक्टिव बार्गेनिंग की जो कलेक्टिव बार्गेनिंग आपसे मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट हाउ डू ट्रेड यूनियंस हेल्प इन अचीविंग द कलेक्टिव बार्गेनिंग हाउ डू यूनियंस हेल्प द वर्कर्स इन अटेनिंग द कलेक्टिव बार्गेनिंग तो यहाँ पे आप हिस्टोरिकली से बात करें हिस्टोरिकल रीजन से बात करेंगे तो हिस्टोरिकली इसका जो एविडेंस है वो रूट्स हैं जो हमें मिलते हैं लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी से राइट लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी में हमें इसके कोल माइनर्स हैं उन्होंने ये कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया था लेटर ऑन जब डिप्रेशन ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1930s का वहां पर भी कलेक्टिव बार्गेनिंग को बार बार एज अ टूल यूज किया गया फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्कर्स लेकिन इंडिया की जब हम बात करें इंडिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में भी ये आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है दैट 1918 की अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो किसने लीड करी थी महात्मा गांधी जी ने ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जिसको हम फर्स्ट हंगर स्ट्राइक भी बोलते हैं फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ठीक है फर्स्ट हंगर स्ट्राइक जब करी थी तो यहां पर भी आपकी आर्बिट्रेशन कमेटी बनाई गई थी कमेटी ऑफ आर्बिट्रेटर्स जिन्होंने मिलके नेगोशिएशन करी थी वो डिमांड कर रहे थे वर्कर्स वर डिमांडिंग अ वेज हाइक एंड देन उसके बाद आर्बिट्रेशन की वजह से हाइक मिला लेकिन उसमें आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं उनका भी बेटरमेंट का ध्यान रखा गया और एम्प्लॉयज का तो रखा ही गया राइट तो ये आपका क्या है यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि इंडिया में हम स्ट्राइक का या इंडिया में कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो एविडेंस है वो सबसे पहले हमें कहाँ देखने को मिला था वो हमें देखने को मिला था The Ahmedabad Mill Strike that was led by Mahatma Gandhi in 1918. Then इसके बाद आपको कुछ important foreign examples दिए जाते हैं foreigners के वहाँ पे कुछ cases हैं. India की अगर हम बात करें specifically तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है कलेक्टिव बार्गेनिंग को इन द केस ऑफ करनाल लेदर कर्मचारी वर्सेस लिबर्टी फुटवेयर कंपनी राइट तो ये आपके लिए मेन आंसर राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब भी आप जीएस पेपर 2 के आंसर्स अटेम्प्ट करते हैं उसमें आपको पता है कि इंपॉर्टेंट केसेस आपको साइट करने होते हैं एग्जाम्पल्स देने होते हैं तो ये पूरा आर्टिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें बहुत सारे केसेस की बात करी गई है जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पे देखें बीआर सिंह की केस की बात करी गई है और यहाँ पे अगर हम कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात करें तो मद्रास हाई कोर्ट में रंगस्वामी वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन इसकी बात करी गई है राइट यहां पे फॉरेन में बहुत सारे लॉज की बात करी गई है लेटर ऑन इंडियन सुप्रीम कोर्ट में करनाल लेदर कर्मचारी वर्सेस लिबर्टी फुटवेयर कंपनी की बात करी गई है तो एवरीथिंग इज पर्टेनिंग टुवर्ड्स द कलेक्टिव बार्गेनिंग अगर हम यहां पे राइट टू स्ट्राइक की बात करें Now we have come to the right to strike. तो right to strike it is very important. इस तरीके के questions पूछे जा चुके हैं पहले तो right to strike क्या है ये आपकी एक legal right है Directly एक one word question पूछा जा सकता है आपसे Legal right is
सॉरी यहाँ पे हम क्या पूछ सकते हैं, राइट टू स्ट्राइक. यस, राइट टू स्ट्राइक इज अ लीगल राइट, इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इज अ फंडामेंटल राइट, इज अ ह्यूमन राइट. राइट टू लाइफ क्या है ये, तो आपको ये पता होना चाहिए ये एक लीगल राइट है, मतलब एक एक्ट के थ्रू इसकी पावर ड्रॉ होती है. और यहाँ पे राइट टू स्ट्राइक तो लोगों को है, राइट, राइट टू स्ट्राइक हैज बीन गिवन, लेकिन वो राइट टू स्ट्राइक पे भी सर्टेन प्रोविजंस हैं, सर्टेन वहां पे रिस्ट्रिक्शंस हैं. जस्ट लाइक अगर आप यूनियन की बात करें कि आपका पब्लिक ऑर्डर को ना हार्म करें, इंटेग्रिटी को हार्म ना करें, राइट, तो ये सारे जो भी आपके रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ये भी प्रॉपरली डिफाइंड होते हैं. तो अभी हम देखने वाले हैं कि इसमें कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं. सबसे पहले देख लेते हैं राइट टू स्ट्राइक लेबर. राइट टू स्ट्राइक लेबर इज अ लीगल राइट रिकॉग्नाइज विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947 की जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसके अंडर इसको रिकॉग्नाइज किया गया है. ये जो राइट जो ये स्ट्राइक्स हैं ये किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं. गो स्लो मतलब आप जो अपना काम है वो प्रोडक्शन को स्लो कर दीजिए, आप काम पे आइए लेकिन बैठे रहिए, या फिर आप काम पे ही ना आए, एब्सेंटिज्म दिखा दे, ये सारे के सारे जो आपके केसेस हैं ये सारे आपके स्ट्राइक्स के अंडर ही आते हैं. अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि कौन कौन सी ऐसी सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस आपको गिवन है, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है, अगर हम बात करें 1947 एक्ट की, तो 1947 एक्ट में तीन चार रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे गिवन है. 1947 एक्ट कहता है कि अगर आप स्ट्राइक पे जाने वाले हो, अगर कोई भी यूनियन स्ट्राइक करने वाली है तो उसको पहले नोटिस देना है, 6 वीक नोटिस देना है, राइट. 6 वीक्स के अंदर अंदर अगर 6 वीक का नोटिस देने से पहले ही अगर कोई यूनियन स्ट्राइक पे बैठ गई तो वो इलीगल मानी जाएगी. बिकॉज क्या है, ये राइट जो है ये लीगल राइट है, ठीक है, ये आपकी फंडामेंटल राइट नहीं है. तो यहाँ पे जो आपके लीगलिटीज हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, जो प्रोसेसेस हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा. तो यहां पे कहते हैं कि ऐसी स्ट्राइक्स को प्रोहिबिट करता है 1947 का एक्ट, जस्ट इन केस अगर आप स्ट्राइक पे जाते हो विदाउट गिविंग एम्प्लॉयर नोटिस विद इन 6 वीक्स. 6 वीक के अंदर अंदर अगर आपने नोटिस नहीं दिया है, अगर आपने नहीं बताया है कि हम स्ट्राइक करने वाले हैं, तो ये आपकी जो स्ट्राइक है वो इलीगल मानी जाएगी. दूसरी चीज, अगर आपने नोटिस दे दिया है और नोटिस देने के अंदर अंदर विद इन 40 डेज ऑफ गिविंग सच नोटिस, आज आपने नोटिस दिया और 14 डेज के अंदर अंदर आप स्ट्राइक पे बैठ गए हो, आपने 2 हफ्ते का टाइम भी नहीं दिया एम्प्लॉयर को, देन ऑल्सो दिस स्ट्राइक विल बी कंसिडर्ड एज इलीगल. उसके बाद अगर आप यहां पे देखेंगे कि अगर यहां पर कोई भी प्रोसीडिंग होने वाली थी, अगर कोई कॉन्सिलिएशन ऑफिसर आया है, कोई आर्बिट्रेशन कमेटी बैठी हुई है, तो उसकी प्रोसीडिंग के ड्यूरिंग आप स्ट्राइक पर नहीं बैठ सकते हो. और बाय चांस कोई एग्रीमेंट हो गया है, कोई फैसला लिया गया है, और फैसला लेते ही 7 दिन के अंदर अंदर अगर आप स्ट्राइक पर दोबारा बैठ गए हो, देन ऑल्सो दैट स्ट्राइक विल बी इलीगल. तो आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये तो वैसे मेंस आंसर राइटिंग में इंपॉर्टेंट है, ऑल दो अगर टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो ये भी पूछा जा सकता है इन अदर वेरियस एग्जाम्स ऑल्सो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि जो राइट टू स्ट्राइक है, सबसे पहली बात तो राइट टू स्ट्राइक आपकी लीगल राइट है, एंड सेकेंड थिंग ये एब्सोल्यूट नहीं है. आपसे ये बहुत चीजों में यूपीएससी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है कि ये एब्सोल्यूट राइट है, राइट टू स्ट्राइक इज एन एब्सोल्यूट राइट, तो ऐसा कुछ नहीं है, राइट. राइट टू जो स्ट्राइक है दैट इज नॉट एब्सोल्यूट राइट, इट कम्स विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस. जैसे कि राइट टू फॉर्म यूनियन एसोसिएशन, दैट इज ऑल्सो नॉट एब्सोल्यूट, उसके ऊपर भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आते हैं. पब्लिक मोरालिटी पब्लिक ऑर्डर पे आता है, राइट, पब्लिक ऑर्डर को आपने नहीं हटाना है, इंटेग्रिटी पे बात नहीं आनी चाहिए, सॉवरेनिटी पे बात नहीं आनी चाहिए, ये सारे के सारे जो केसेस हैं आपके, ये आपके किस में आते हैं, रिस्ट्रिक्शंस में आते हैं, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द राइट टू स्ट्राइक. देन उसके बाद यहाँ पर एक और इसमें मुद्दा उठाया जा रहा है, जो आपकी कंपनी है वो कह रही है, जो यहाँ पे सैमसंग है वो कह रही है कि भाई जो यहाँ पे CITU दैट इज, ठीक है, CITU सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन जो है आपकी, वो इसमें इंटरफेयर कर रही है. लेकिन यहां पर हमें ध्यान देने वाली बात क्या है, जो ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926 वो ये प्रोवाइड करती है, ये आपका एक प्रोसीजर प्रोवाइड करती है कि जो आपके बाहर वाले लोग हैं जो एक ऑनररी पोजीशन पे हैं या कोई एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे है, वो इस यूनियन का पार्ट बन सकते हैं, किसी भी यूनियन का पार्ट वो बन सकते हैं. तो ये इस एक्ट में मेंशन है, तो यू कैन नॉट क्वेश्चन द बैकिंग ऑफ द CITU ऑन द दिस सैमसंग यूनियन, ठीक है, सैमसंग इंडिया वर्कर यूनियन SIWU जो ये आपका नाम है सैमसंग इंडियन वर्कर यूनियन, तो इसमें बोल रहे हैं कि इनकी जो बैकिंग है वो CITU से आ रही है. तो यहां पर दोबारा से हम एक्ट की ही बात करेंगे कि एक्ट में खुद से गिवन है भाई कि भाई आप अगर किसी ऑनररी पोजिशन पे कोई इंसान है या कोई एग्जीक्यूटिव पोजिशन पे है कोई इंसान, उसको आप इंक्लूड कर सकते हो यूनियन में, राइट. There is no not an issue. दूसरा क्या है, यहां पे एक आप separate fund भी बना सकते हो. इस act में given है कि union का एक अलग से fund बन सकता है,
राइट एक फंड बन सकता है जिसमें आप पैसे डोनेट कर सकते हैं, जिसमें आप पैसे उसका यूज कर सकते हैं. तो जो ये सेपरेट फंड बनाया गया है, दिस कैन ऑल्सो बी यूज टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस. जो मेंबर हैं वो अगर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो वो फंड से पैसा उठा के लगाया जा सकता है. बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, आपको लगेगा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, यूनियन का पैसा है तो वर्कर की बेटरमेंट के लिए यूज होना चाहिए. डेफिनेटली उनके बेटरमेंट के लिए भी यूज होता है, बट यहाँ पे क्लॉज गिवन है इस एक्ट में कि आप इस सेपरेट फंड को यूज कर सकते हो इन कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन ऑल्सो. ठीक है, तो अगर आपसे बाई चांस किसी टाइम पे पूछा जाए, अगर ये बहुत ज्यादा न्यूज में है, अगर इसमें कोई भी आगे जाके कोई फैसला आता है तो ट्रेड यूनियन आर इन यूज दिस ईयर, तो अगर कोई क्वेश्चन आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो तो ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रेड यूनियन एक्ट स्पेसिफाइज फॉर क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट फंड विच कैन हेल्प, विच कैन ऑल्सो बी यूज इन कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन बाय द मेंबर्स. येस, दिस इज वेरी वेरी मच ट्रू. ठीक है, तो फंडामेंटल राइट टू फ्री स्पीच ऑफ द वर्कर्स इंक्लूड देयर राइट टू पॉलिटिकल एक्सप्रेशन. क्योंकि यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट है कि पॉलिटिकल एक्सप्रेशन कर सकते हैं, राइट टू एक्सप्रेशन है, उसमें ये राइट इसको हेल्प करती है. ठीक है, एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया है इसमें, दैट इज ऑन दी वर्कमैन कमेटी. अब वर्कमैन कमेटी हमने शुरुआत में ही डिस्कस कर लिया था कि जो वर्कमैन कमेटी है दैट हैज टू बी फॉर्म्ड आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन. ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 3 ऑफ 1947 एक्ट कवर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ वर्क कमेटी. इसमें क्या है, इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर्स आएंगे और वर्कर्स आएंगे जो इस एस्टेब्लिशमेंट में है. फिर वहां पे कमेटी हैव टू बी चोजन इन कंसल्टेशन विद द ट्रेड यूनियन, कंसल्टेशन करना है. राइट, हालांकि ये जो प्रोविजन है ये अभी रेप्लीकेट दो जो 2020 के जो लेबर कोड है उनमें आने बाकी है, लेकिन ये इस ट्रेड एक्ट में गिवन है. तो यहां पर एक और बात आती है, दैट इज ट्रेडमार्क. सैमसंग कंपनी बोल रही है कि आपने मेरा नाम कैसे यूज कर लिया. ठीक है, आपने हमारा ट्रेडमार्क यूज कर लिया है. इन्होंने यूनियन कैसे बनाई है, सैमसंग इंडियन वर्कर यूनियन बना दिया है, SIWU बना दिया है. तो सैमसंग कंपनी इज क्लेमिंग कि हाउ कैन यू यूज माई नेम. ठीक है, तो ये ट्रेडमार्क एक्ट के अंडर आपने इसको इन्फ्रिंज किया है. सैमसंग इंडिया हैज कंप्लेंड टू द लेबर कमीशन दैट यूज ऑफ द नेम सैमसंग वॉज अ वायलेशन ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट 1999, कि आपने ट्रेडमार्क का गलत इस्तेमाल किया है. सैमसंग हमारा ट्रेडमार्क है, हमारा नाम है, आपने उसको कैसे यूज कर लिया हमारी परमिशन के बिना. फिर से दोबारा से यहां पे सैमसंग कंपनी ही फंसती नजर आ रही है. कैसे बोल रहे हैं यहां पे कि जो ये ट्रेडमार्क है अगर ये किसी बिजनेस में यूज हो रहा है, किसी ट्रेडिंग में यूज हो रहा है, देन दैट विल बी ट्रेडमार्क. कि आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपके साथ कॉम्पिटिशन में आ रहे हैं. दिस ट्रेड यूनियन इज नॉट अ This worker union is not a business. यहाँ पे ये एक्ट में बता रहे हैं कि जो ट्रेड यूनियन है इसका मतलब बस क्या है, कॉम्बिनेशन प्राइमरली फॉर्म टू रेगुलेट रिलेशनशिप बिटवीन अमंग दी वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स. की जो आपका ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन दी हुई है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं और एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में रिलेशंस बेटर करना. राइट, तो ये अपने आप में कोई बिजनेस नहीं है. तो ये जो आपने इन्फ्रिंजमेंट डाला है ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत कि हमारा नाम कैसे यूज कर लिया है, तो वो भी यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो भी जाता हुआ दिख रहा है सैमसंग की कंपनी के साइड से. बिकॉज सैमसंग कंपनी ने क्लेम किया था कि भाई इस वजह से क्या पता वो शायद से केस जीत जाए, बट अगेन ट्रेड यूनियन के अकॉर्डिंग जो एक्ट है 1926 की उसके अकॉर्डिंग ट्रेड यूनियन कोई बिजनेस नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है जो रेगुलेट करता है रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज. राइट, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द न्यूज. इन जनरल ये एक सिंपल एक केस स्टडी हो सकता है, आप इसको कहीं पे एग्जाम्पल की तरह बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, आर्टिकल 19 ओवरऑल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. आर्टिकल 19 ब्रैकेट 4 ये आपके लिए, क्लोज 4 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. आपके लिए राइट कलेक्टिव बार्गेनिंग इंपॉर्टेंट रहेगा. एंड देन आपके लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट रहेगी, दैट इज राइट टू स्ट्राइक. क्या होती है राइट टू स्ट्राइक, एब्सोल्यूट है या लीगल राइट क्या है. राइट, देन उसके बाद आपका ट्रेडमार्क का इंपॉर्टेंस हो जाएगा, एंड साथ में जो आपका सेपरेट फंड है दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो होलिस्टिक कवरेज हुई है आज ट्रेड यूनियन एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की, 1947 एंड 1926 ट्रेड यूनियन एक्ट दोनों की. राइट, तो आप इस न्यूज आर्टिकल को एक बार खुद से भी पढ़िएगा, एक गो थ्रू होइएगा इस आर्टिकल से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल. ओके जी, यस, इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर यू. This is also important from the point of view of GS paper 2, international relations and international organization. SCO meeting. तो इंडिया की साइड से फॉरेन मिनिस्टर जा चुके हैं पाकिस्तान की तरफ, राइट, फॉर SCO मीटिंग. तो SCO हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. SCO है क्या, दिस इज शांघाई
कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट? क्या शांघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, इसका मतलब क्या है शांघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? तो इसकी अब मीटिंग में वो गए हुए हैं फॉरेन मिनिस्टर, तो इस्लामाबाद को एक काइंड ऑफ लॉकडाउन में रखा गया है बिकॉज टेरर अटैक्स हुए थे अभी थोड़े दिन पहले इस्लामाबाद में, तो दैट्स वाई उसको लॉकडाउन कर दिया है. दिस न्यूज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट, SCO इज इम्पॉर्टेंट, राइट? ये बार बार न्यूज में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आती रहती है, वी विल ट्राई कि हम सारी के सारी ऑर्गेनाइजेशन करंट अफेयर्स में ही इनको कवर कर ले बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट, इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है. तो SCO की अगर हम बात करें, इनिशियली 1996 में ये एक शांघाई 5 के नाम से जाना जाता था, राइट? शांघाई 5, शांघाई 5 क्या, इसमें 5 कंट्रीज थी इनिशियली, दैट इज कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, रशिया एंड चाइना, ठीक है? 5 इनिशियली 5 कंट्रीज थी, दैट इज कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, रशिया एंड चाइना. इनिशियली 1996 में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई दैट वाज फॉर द डीलिंग विद द एक्सट्रीमिज्म. एक्सट्रीमिज्म किस किस में? एक्सट्रीमिज्म इन रिलीजन में और एथनिक ग्रुप्स में. जो एक्सट्रीमिज्म फैल रहा है आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR, तो उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म हुआ था रिलीजियस अफेयर्स में एंड एथनिक ग्रुप्स का एक्सट्रीमिज्म देखने को मिलता था. तो उसको कंटेन करने के लिए एक शांघाई 5 जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, राइट? 1996 में. लेटर ऑन इसको SCO कब से बोला जाने लगा, राइट? SCO कब से बोला जाने लगा? SCO इसका नाम पड़ा है 2001 में, ठीक है? 2001 में इसकी पहली मीटिंग होती है शांघाई में ही, राइट? तो यहां पे शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में इसको बोला गया है, राइट? तो 2001 में इसको शांघाई कॉर्पोरेशन क्यों बोला गया? क्योंकि यहां पे इन्होंने उज्बेकिस्तान को भी ऐड कर लिया. अब यहां पे पहले शांघाई 5 था, अब एक और कंट्री यहां पे ऐड हो गई है, तो इसको अब शांघाई 5 तो नहीं बोल सकते, तो इसको बोल दिया गया है शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट? 2001 में उज्बेकिस्तान ने भी इसको ज्वाइन कर लिया. देन 2009 के बाद रशिया ने बहुत सपोर्ट किया है इंडिया का इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने के लिए, एंड 2015 में फाइनली ये अचीव कर लिया गया. इन 2015 में ये डिक्लेयर कर दिया गया था दैट इंडिया विल बी ज्वाइनिंग SCO वेरी सून, ठीक है? तो अब यहां पे अगर रशिया ने बैक किया है इंडिया को, तो चाइना ने बैक किसको किया होगा? पाकिस्तान को. तो फाइनली फॉर्मली 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान हैज ऑल्सो दे ऑल्सो ज्वाइंड दिस SCO ग्रुप, ठीक है? तो यहाँ पे SCO मीटिंग की हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी 2017 तक इंडिया और पाकिस्तान ने भी ज्वाइन कर लिया है. रिसेंटली 2 न्यू मेंबर्स हैव बीन एडेड, दैट इज ईरान एंड बेलारूस. बेलारूस सबसे लेटेस्ट एडिशन है. बेलारूस, अर्लियर ईरान एंड बेलारूस दे वर दी ऑब्जर्वर स्टेट्स, ठीक है? इसमें ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं, इसमें अफगानिस्तान एंड मंगोलिया अब ऑब्जर्वर स्टेट्स के साथ रह गए हैं, ऑब्जर्वर स्टेटस है उनके पास. देन उसके बाद डायलॉग पार्टनर्स भी हैं जिनको इनवाइट भेजा जाता है, वो वाले पार्टनर्स भी आपके साथ हैं. तो यहां पर अब आपके पास कितनी कंट्रीज हो गई हैं? पहले 5 कंट्रीज थी आपकी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, रशिया एंड चाइना, ये 5 कंट्री थी. उसके बाद उज्बेकिस्तान ऐड हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ऐड हुआ, इंडिया ऐड हुआ, एंड देन उसके बाद ईरान एंड बेलारूस, ठीक है? ये सारी कंट्री हो गई हैं आपकी SCO में. तो शांघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को कॉम्बैट करते हुए भी देखा जाता है. इसको एशिया का नाटो भी कभी कभी बोल दिया जाता है. आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज समटाइम रेफर टू एज एशियन नाटो. तो एशियन नाटो किसको बोला जाता है? शांघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, SCO को, ठीक है? अब इसमें मेजर मेजर काम क्या है, ये कौन से एरियाज को फोकस करते हैं? दे मेजरली फोकस दी टेररिज्म, टेररिज्म को फोकस करते हैं, और यहां पे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इट कॉम्बैट्स द टेररिज्म, ठीक है? टेररिज्म पे बात करते हैं, तो इन्होंने रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है जिसको हम रैट्स के नाम से जानते हैं. दिस मेजरली फोकस ऑन एंटी टेररिज्म, ठीक है? ये एंटी टेररिज्म, टेररिज्म को खत्म करने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर बनाया गया है. ऑल्सो दे टॉक ऑन द पीस, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमी, ऑल अदर फैक्टर्स, ठीक है? तो टेररिज्म आपके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. और इंडिया के लिए SCO की जो ये मीटिंग है ये कैसे बेनिफिशियल रहेगी? अभी रिसेंटली 2024 की जो आपकी हाई लेवल मीटिंग होती है, जो एनुअल मीटिंग होती है SCO की, यहाँ पे तो आपकी यहाँ पर तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि जो आपके मिनिस्टर हैं वो गए हैं मीटिंग के लिए, राइट? तो यहाँ पे जो ये मीटिंग है इट विल बी हेल्ड इन इस्लामाबाद, ठीक है? तो ये इस जो आपकी फॉरेन सेक्रेटरी की जो मीटिंग है, इससे पहले जो एनुअल मीटिंग होती है दैट वाज हेल्ड इन 2024 कहाँ पर? अस्ताना में.
अस्ताना में ये हुई थी मीटिंग 2024 की, तो अभी देखना है इस मीटिंग से क्या रिजल्ट निकल के आता है. एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दैट ऑब्वियसली जो अभी तक मीटिंग्स होती आई हैं SCO की, वहां पर इंडिया की तरफ से वर्चुअली ही अटेंड किया जाता था, वर्चुअल अटेंडेंस थी, दे डिड नॉट विजिट द कंट्री, है ना, पाकिस्तान नहीं जाते थे कोई भी मीटिंग अटेंड करने. लेकिन ये एक स्टेप अहेड है इन द रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान ऑल्सो एंड गिविंग इट्स इंपॉर्टेंस इन SCO ऑल्सो. तो यहाँ पर अब इंडिया की तरफ से डेलीगेशन गए हैं कहाँ पर, इस पाकिस्तान की तरफ. अब देखते हैं इस मीटिंग में क्या इंपॉर्टेंट जो डिस्कशंस हैं, डिसीजंस हैं, वो निकल के आते हैं. दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर डिस्कशन टुमोरो मे बी. ठीक है, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर. जस्ट अ सेकेंड. यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. Trio wins economic Nobel for work wealth inequalities, for the work on wealth inequalities. Very, very important for you. यहाँ पर भी तीन लोगों को इस रिसर्च में इकोनॉमी का नोबेल प्राइज मिला है. Although initially जैसे 1901 से नोबेल प्राइज देते गए हैं, यहाँ पर ये 1960s के बाद से डिसाइड हुआ था कि नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में देने शुरू करने हैं, राइट. और ये अनाउंस कौन करता है, स्वीडन का सेंट्रल बैंक ये प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करता है. ठीक है, तो हम हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि किस किस को ये मिला है. डेरन एस मोगलू को मिला है, ब्रिटिश अमेरिकन है, साइमन जॉनसन एंड जेम्स रॉबिन्सन, इनको ये मिला है नोबेल प्राइज. किस लिए मिला है, फॉर रिसर्च इनटू वेल्थ इनइक्वालिटी बिटवीन नेशंस. वेल्थ इनइक्वालिटी क्यों है डिफरेंट डिफरेंट नेशंस के बीच में, क्योंकि अगर आप देखें कुछ कंट्रीज डेवलप्ड हैं, कुछ कंट्रीज डेवलपिंग हैं और कुछ कंट्रीज अंडर डेवलप्ड हैं. तो यहां पर इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रिसर्च करके दिखाई है. दे हैव क्लेम्ड कि सिर्फ ज्योग्राफी और कल्चर ही रीजन नहीं है बैकवर्डनेस का या पुअर होने का किसी कंट्री का. ऑब्वियसली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिनको एक ही कैटेगरी में क्लब करके उन्होंने बोला है दैट द मेजर रोल प्लेड इन द डेवलपमेंट इन द वेल्थ ऑफ द कंट्री आर सोशल इंस्टीट्यूशंस. सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस जो हैं दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंप्रूविंग द वेल्थ, इंप्रूविंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो यहां पर आपको बोला गया है दैट रिड्यूसिंग द वास्ट डिफरेंसेस इन इनकम बिटवीन कंट्रीज इज वन ऑफ द मेजर गोल, है ना, इंटरनेशनल गोल की अगर हम बात करें तो जो इनइक्वालिटीज है नेशंस के बीच में उसको डिक्रीज करना है. और उसी के केस में इन्होंने बहुत बढ़िया रिसर्च करके दिखाई है. यहां पे एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, नोगालेस एक सिटी है. ठीक है, नोगालेस सिटी, यहाँ पे केस स्टडी भी आप इसको ले सकते हो. नोगालेस सिटी इज लोकेटेड ऑन द यूएस एंड मैक्सिकन बॉर्डर, मैक्सिको और यूएस के बॉर्डर पे ये नोगालेस सिटी सिचुएटेड है. तो उन्होंने स्टडी किया है, मान लो ये आपका बॉर्डर है तो कुछ हिस्सा नोगालेस सिटी का यहाँ पे है नॉर्थ में यूएसए के साइड और कुछ यहाँ पर मैक्सिको की साइड है. ठीक है, तो इन्होंने दोनों सिटीज के पार्ट को स्टडी किया है. तो यहाँ पर इनको क्या देखने को मिला है कि जो यहाँ पर यूएसए के साइड जो लोग रहते थे, दे हैड बेटर अपॉर्चुनिटीज टू चूज देयर एजुकेशन. प्रोफेशन की बात करें, एजुकेशन प्रोफेशन ज्यादा अच्छा था एंड उनको ब्रॉडर पॉलिटिकल राइट्स दिए गए थे. लेकिन अगर मैक्सिकन साइड अगर हम देखें तो इनकी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी सी पुअर थी एंड पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसकी वजह से इनका लेजिस्लेशन जो उनको भी इंफ्लुएंस करता था, उनकी जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो भी उनको डिमिनिश करते हुए दिखाई दिया है. तो यहां पर इनका यही कहना है कि सिर्फ और सिर्फ जो आपकी वाई ये एक्सप्लेन करता है कि कुछ कंट्रीज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी की वजह से या कल्चर की वजह से पुअर नहीं है, वहां पर आपके सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. लो इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर ठीक करना है तो आपके जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं दे हैव टू वर्क वेरी मच लाइक बेटर वर्क दैट वी हैव डन फेवर्स डेमोक्रेसी. तो यहाँ पर जो एस मोगलू हैं वो कहते हैं कि जो हमने रिसर्च करी है, जो हमने काम किया है वो डेमोक्रेसी को फेवर करता है. कि अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है, अगर उसमें कोई भी आपके इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस नहीं हैं, अगर आपके इकोनॉमिकल, अगर आपके पॉलिटिकल और अगर आपके सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर फंक्शनिंग वेरी वेल एंड दे आर फंक्शनिंग फॉर द बेटर of the people, तो आपकी डेवलपमेंट को कोई रोक नहीं सकता है, किसी भी नेशन की डेवलपमेंट को रोका नहीं जा सकता है. तो जो यहां पर ये इनस्टेबिलिटीज है नेशंस में, उनके इंस्टीट्यूशंस में इनस्टेबिलिटीज हैं, दे ऑल्सो लीड टू द वेल्थ इनइक्वालिटी. सिर्फ और सिर्फ कल्चर और सिर्फ रीजन, ज्योग्राफी ही रीजन नहीं है वेल्थ इनइक्वालिटीज के होने का. द रीजंस आर ऑल्सो द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, कि कितनी डेमोक्रेटिक आपकी गवर्नमेंट है, कितनी आपके सिटीजन को अपॉर्चुनिटीज हैं, कितनी उनको फ्रीडम आपने दी हुई है, पॉलिटिकल राइट्स कितनी आपकी
काफी ब्रॉड हैं, दिस इस बात पे इन्होंने रिसर्च की है एंड इसीलिए इनको जो ये नोबेल प्राइज है ये दिया गया है बाय द स्वीडन सेंट्रल बैंक. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन. काइंडली रीड न्यूज़पेपर योरसेल्फ आल्सो, आप न्यूज़पेपर रीड कीजिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को आप खुद से जब पढ़ेंगे तो उससे आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल भी इंप्रूव होती है. दिस इज नॉट जस्ट अबाउट करंट अफेयर्स की ग्रास्प करते रहे हम करंट अफेयर्स को एंड इट्स डन. ये आप जब खुद से भी पढ़ते हैं एक बार तो उससे आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स भी बढ़ती हैं. तो काइंडली रीड, कीप रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.